हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वाईफाई कॉलिंग का जो ऑप्शन जो हमारे फोन में नहीं आता है, हमें उसको एनेबल कैसे किया जाए। कि आजकल जो भी रेडमी नोट 5 के फोन है जो, उन सब में मैंने ज़्यादातर देखा है कि उसमें वाईफाई का ऑप्शन नहीं आता, तो उसको एनेबल कैसे किया जाए सीक्रेट कोड के मदद से। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले सेटिंग में देख लेते हैं कि अपने सेटिंग में उसकी ऑप्शन है या नहीं। तो सबसे पहले चलते हैं अपना सेटिंग में देख लेते हैं कि अपना कहीं पे भी ये वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन है या नहीं है। यहाँ पर नहीं है फ्रेंड्स, सिम कार्ड में देख लेते हैं, यहाँ पे भी नहीं है। और बैक करके देखते हैं, सेटिंग यहाँ पे भी नहीं है फ्रेंड्स। तो ज़्यादातर जो है ये इसी एरिया में होता है जो वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे ये वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन है नहीं। तो हमें इसको इनेबल कैसे किया जाए, तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम चलते हैं डायल पैड में। जो सबसे पहले अपना डायल पैड ओपन करते हैं, इसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं *#***8694334*****। और ये देखिएगा फ्रेंड्स, वाईफाई कैरियर चेक हुआ डिसेबल। ये पहले डिसेबल था, अब ये इनेबल हो चुका है फ्रेंड्स। तो सब अब सेटिंग चेक कर लेते हैं अपना। सबसे पहले सेटिंग चलते हैं, सेटिंग में सबसे पहले सिम कार्ड में चलते हैं और सिम कार्ड में देखते हैं फ्रेंड्स। ये सिम कार्ड में यहाँ पे मैक कॉल यूजिंग वाईफाई ऑप्शन आ चुका है फ्रेंड्स, जो हम इसको इनेबल कर सकते हैं। इनेबल तो कर दिए। तो फ्रेंड्स यही आपको दिखाना था कि इनेबल कैसे किया जाए जो सीक्रेट कोड की मदद से। आज की आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।